உயிரினம் ஒன்றை அந்த இன்னும் என்ன பேசி என்ன மாட்டாங்க மெர்சு சுங்கதக்க நான் லோமந்தின கேட மைக்கரோன் சக்கனங்க உன்ன மித்தார் ரோபின நான் பக்சங்கை கவல லோமத்தாக்கின ஒன்றை தலமினா ஒயோ மேலிக்கி Bulre, oye, o Samuel Samuel. Nama kiki rau, ena bem ataca. Bonita kina bagarumbuka. Ni boi tiri kali mana mini di meono kina tiri na kaloko. Ena radio Fiji One nando boi biti. Ina pina na mataka, dan ramai na singa bo. नमस्कार फिजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं प्रणीता प्रकाश फिजियन सरकार ने पहले से ही काम शुरू कर दिया है कि कैसे कोविड 19 के मामले खत्म होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। इन्हीं योजनाओं के तहत फिजी कोपरा मिलर्स के नाम को फिजी कोकोनट मिलर्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है। इस बदलाव से अब फिजी और उसके प्रोडक्ट को दुनिया भर में पहुँचाया जा सकता है। अटोर्नी जनरल अय्या सैयद कयूम का कहना है कि पिछला महीना फिजियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन सरकार पॉजिटिव है और इकोनॉमी पर ध्यान दे रही है। 35 सालों बाद फिजी कोपरा मिलर्स के नाम को फिजी कोकोनट मिलर्स प्राइवेट लिमिटेड किया गया है तथा अब वे अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकेंगे। फिजी में अब कोविड 19 के केवल 7 पॉजिटिव केसेस है जिनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है और वे आइसोलेशन में है। फिजी में अब तक कोविड 19 से 11 मरीज ठीक हो गए हैं। फिजी का रिकवरी रेट 67% है जबकि सिर्फ 7 एक्टिव केसेस है। लेटेस्ट पेशेंट जिन्होंने रिकवर कर लिया है में लंबासा का व्यक्ति और उसकी पत्नी भी शामिल है जिन्होंने 2 बार नेगेटिव टेस्ट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बैनी मारामा को हेल्थ ऑफिशियल्स ने इस पर जानकारी प्रदान की है। पिछले 2 दिनों में 107 लोगों को टेस्ट किया गया है और सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। फिजी का आखिरी कन्फर्म्ड केस पिछले हफ्ते था। कोविड 19 पेंडेमिक की शुरुआत से अनुचित व्यापार करने वाले ट्रेडर्स के खिलाफ शिकायतें 4 गुना बढ़ गया है। फिजियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन 6 ट्रेडर्स के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगी जिन्होंने लॉकडाउन के समय स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की थी। FCCC के चीफ एग्जीक्यूटिव जोला इब्राहिम का कहना है कि उन्हें हर रोज इस तरह के ट्रेडर्स के खिलाफ शिकायतें मिल रही है तथा स्पेशल एनफोर्समेंट ऑफिसर्स विभिन्न टाउन्स और सिटीज में ट्रेडर्स पर नजर रख रहे हैं। बिजनेसेस को चेतावनी दी गई है कि कानून का उल्लंघन करने के पर उन्हें $250,000 तक फाइन किया जा सकता है। FCCC ने अभी तक 300 इंस्पेक्शंस किया है। और खेलकूद की खबरों में फिजी रग्बी यूनियन के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ओकोना ने कंफर्म किया है कि फिजी एयरवेज नेशनल मेंस टीम के लिए जल्दी एक्सटेंडेड स्क्वाड की घोषणा की जाएगी। ओकोना का कहना है कि हेड कोच गैरेथ बेबा लोकल और ओवरसीज प्लेयर से उनके कॉन्ट्रैक्ट और अवेलेबिलिटी पर बातें कर रही हैं ताकि वे टीम में शामिल हो सके। रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद सेवन्स टीम कैंप में चली जाएगी और वर्ल्ड सेवन सीरीज और 2020 ओलंपिक्स के लिए तैयारी शुरू कर देगी। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। हमारे खूबसूरत देश फिजी में चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं आए दिन बढ़ रही है। क्यों बच्चों का मासूम बचपन अब्यूज का शिकार हो जाता है? अपने बच्चों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें। उनसे बातचीत करें, उनके दोस्तों के बारे में जानें। आज के बच्चे देश का भविष्य है। मैं दीप्ति और मैं मोनिश आपके हम सफर। शामिल हो जाए हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे 5:45 AM से 10 AM तक रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन पर।